खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। देखिए, प्रफुल्ल श्रीवास्तव पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अंजलि सिंह साकेत कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले अंजलि का रुख करूंगी क्योंकि साकेत कोर्ट में आज हमने देखा वकीलों को अदालत के दरवाजे पर ताला जड़ते और उसके बाद हमने देखा आम लोगों को उसी गेट पर चढ़कर ताले को तोड़ते। अंजलि, फिलहाल किस तरीके की तस्वीर उभर रही है साकेत कोर्ट में? जी देखिए, न्याय का ये मंदिर अभी भी आम पब्लिक के लिए बंद है। गेट के बाहर ही हम मौजूद हैं। ताला जो यहाँ पर पब्लिक उग्र हो गई थी क्योंकि उनके पास भी कोई चारा नहीं बचा था। ये चेहरे देखिए जो अभी भी इस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद अंदर जाने को मिल जाए, शायद अंदर कोई बात हो। और सबसे पहले गेट के अंदर की आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर हमें काफी देर पहले तक वकील जो है वो काफी संख्या में यहाँ अंदर ही खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सभी अंदर जा चुके हैं और जो इंतजार है वो आया है जनता के नसीब में। सुबह से लोग खड़े हैं। कब से खड़ी हैं आप यहाँ पर? एक घंटा हो गया। क्या हुआ अंदर? आपको आज वकील ने बुलाया था क्या? हाँ, बुलाए थे, 6 तारीख को बुलाए थे। हाँ, तो अब क्या कहा आपको वकील? अब इन वकील से कुछ बात नहीं हुआ, वकील मिले ही ना है हमसे। आपका भी आज था? हाँ, मुकदमे की तारीख थी। हाँ, झगड़ा हुआ, हमें घर में घुस के मारा था, उसकी तारीख थी आज 6 तारीख। अभी क्या आपको वकील ने बुलाया था, आप क्या कह रहे हैं? अब वकील मिल ही नहीं रहा है, अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। छोटे से बच्चे को लेकर आप आई हुई हैं? सुबह कितने बजे से आई हैं? सुबह से आए हुए हैं हम, 10 बजे से आए हुए हैं। हमें जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। वकील साहब ने हमें बुलाया, तारीख करने नहीं दे रहे हैं, गेट बंद है। अब आप लोगों को कब अगली डेट मिलेगी, अगली तारीख कब आएगी, कुछ बताए कि नहीं? कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं पता है। यहाँ पर कह रहे थे कि अगली डेट हम दे देंगे, जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ आप लोग को बताया? कुछ नहीं बताया। ये हमारी बहन ही, इसको घर में घुस के मारा था, उसकी नाक की हड्डी भी तोड़ दी थी। उन लोगों का अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं वारंट निकले, नहीं कुछ भी। जनता यहाँ पर आई है, सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई महिलाओं से भी हमने पहले बात की थी जो घर बार छोड़कर अपना सुबह से यहाँ बैठी हैं, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगी है। और अंदर वकील मौजूद हैं, ना यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अंदर वकील मौजूद हैं जो काम करने को अभी फिलहाल राजी नहीं है।